हजारों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। शिंदे को उद्धव से समझौते की उम्मीद नहीं, कहा शिवसेना पर दावा विधायकों से पूछ कर करेंगे। इधर लोकसभा में उद्धव गुट ने चीफ व्हिप बदले। ईडी के छापे के बाद फरार हुए वीवो के डायरेक्टर्स। कंपनी के 44 ठिकानों पर हुई थी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप। तीन दिन बाद भी लालू की हालत में सुधार नहीं। बेटी मीसा के साथ एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स गए परिवार ने दुआ करने की अपील की। अरब सागर में कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन, डूबते जहाज से 22 लोगों को बचाया। तट से 95 समुद्री मील दूर तूफान से घिरे। उद्धव के साथ छोड़ने की तैयारी में अब 12 सांसद। शिवसेना के पूर्व मंत्री गुलाब राव पाटिल ने किया दावा। काली पोस्ट विवाद पर अपने बयान पर कायम हुआ मोहिया, कायम महुआ मित्रा बोली कोर्ट में मिलूंगी। ममता बनर्जी के खिलाफ दिलीप घोष की टिप्पणी से विवाद, कहा कभी बंगाल कभी गोवा की बेटी बन जाती हैं, मां बाप का ठिकाना नहीं। कन्हैयालाल की हत्या को लेकर फेसबुक पोस्ट करने पर 16 साल की लड़की को मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड का बिहार कनेक्शन, भागलपुर के अशरफी से पूछताछ। एनआईए ने 14 तारीख को जयपुर बुलाया। गोवा में हिंदुओं का धर्मांतरण बंद, सीएम प्रमोद सावंत बोले 100 दिनों में लगाई रोक। दक्षिण भारत से 4 हस्तियां राज्यसभा के लिए मनोनीत, पीटी ऊषा, इलैया राजा, वी विजयेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा सांसद होंगे। 20 राज्यों में मॉनसून की मार, भारी बारिश से हिमाचल में 5 और राजस्थान में 7 की मौत। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात। केंद्रीय कैबिनेट से मुख्तार और आरसीपी का इस्तीफा, सिंधिया और स्मृति को मिला प्रभार। नकवी को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाने की अटकलें। तिरंगे पर घिरे फारूक अब्दुल्ला, केंद्र सरकार के घर घर तिरंगा अभियान पर सवाल, पूर्व सीएम बोले वो अपने घर में रखना। सत्यपाल मलिक के आरोप पर सीबीआई का एक्शन, देश भर में 16 जगह रेड। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते रिश्वत की पेशकश की बात कही थी। बिजनौर में बैंक तगादे से परेशान किसान ने खाया जहर, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। 12 साल पहले लिया था 4.5 लाख का लोन। हिंदू लड़की को भगा ले गया मुस्लिम युवक, ललितपुर में परिजनों ने युवक की दुकान में लगाई आग। जर्जर बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का वीडियो वायरल, 20 सेकंड की सरकारी आतिशबाजी, फिर अंधेरे में जर्जर तारों में रोजाना होता है शॉर्ट। महिला आयोग की सदस्य के गनर ने दंपत्ति को पीटा, कार को साइड दिया तो बाइक रुकवा कर धुनवा दिया।
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर दिया बयान, बोले हम चुनाव नहीं हारते अगर अखिलेश जी आए होते। कांवड़ यात्रा और बकरीद के लिए सरकार की गाइडलाइन, योगी बोले झगड़े वाली जगह पर ना हो कुर्बानी, कांवड़िए डीजे का वॉल्यूम कम रखें। लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में मरीज की मौत, परिजन ने काटा हंगामा, पत्नी के साथ बाइक से पैर दर्द की दवा लेने गया था। दरगाहों पर ना जाएं हिंदू लोग, मौलानाओं के बयान पर भड़के अमेठी, सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज बोले अपने ही धर्म स्थलों पर पूजा करें। मथुरा में फिर आया बाल विवाह का मामला सामने, पुलिस और चाइल्ड लाइन संस्था ने रुकवाई नाबालिग बालिकाओं की शादी। हत्या के मामले में भाजपा नेता मिले दोष मुक्त, 2020 में हुई थी हार्डवेयर कारोबारी के बेटे की हत्या, भाजपा नेता विनय समेत तीन हुए थे नामजद। गोंडा में पंचायत सचिव ने धोखाधड़ी कर निकाले 16 लाख, प्रधान ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। अज्ञात शवों की शिनाख्त करने में पुलिस फेल, एक साल में मिले महिला पुरुष सहित 9 शव, खुले में घूम रहे अपराधी। हरदोई में सड़क हादसे में 5 लोग घायल, हाईवे पर एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराई, मरीज को लेकर जा रही थी लखनऊ। उन्नाव में बिजली का तार टूटने से बाल बाल बचे लोग, बिजली फॉल्ट से नगरवासी परेशान, ग्रामीण इलाकों का बुरा हाल। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने की मीटिंग, अधिकारियों से बोली मथुरा को इंदौर की तरह बनाया जाए साफ सुथरा और स्वच्छ। मेरठ में फिल्म काली की निर्देशक पर केस दर्ज करने की मांग, सामाजिक संगठन ने पीएम को भेजा पत्र। प्रेमिका के मां बाप को मरवाने वाला सैन्यकर्मी मुंबई में अरेस्ट, कस्टडी में बोला जिस प्यार के लिए इतना सब किया उसी ने धोखा दिया। अंबेडकर नगर में युवक पर दबंगों का कहर, पहले घर जलाया अब दे रहा धमकी, पुलिस ने पीड़ित का किया चालान। पीलीभीत में दावत इस्लामी का स्कूल बंद, 250 दुकानों से फंडिंग वाले गुल्लक हटाए गए, कानपुर में लहराए संगठन के झंडे। कानपुर में एक्सीडेंट, 2 की मौत, क्रॉसिंग पार करते समय स्टूडेंट तो पीडब्ल्यूडी कर्मी की करंट से गई जान। मिर्जापुर में शांति के लिए पुलिस ने किया मार्च, एसपी ने दुकानदार, बच्चों और नागरिकों से किया संवाद। शामली में महिला थाना अध्यक्ष का तुगलकी फरमान, 8 बजे के बाद नहीं आएगा कोई थाने में, होमगार्ड के जवान रात भर देते हैं ड्यूटी। बैन के बाद भी बिक रही प्लास्टिक, नगर निगम की सख्ती, नहीं आ रही काम, 384 किलो माल पकड़ने के बाद भी जारी है धंधा। राम जन्मभूमि पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री, दिखेगा मंदिर निर्माण के लिए कैसे हुआ संघर्ष और आंदोलन। ट्यूशन पढ़ने गए 6 साल के मासूम की किडनैपिंग के बाद हत्या, टीचर के घर में मिला शव।
12 साल के बच्चे का शव फंदे पर लटका मिला। शरीर पर गंभीर चोट के निशान और पैरों से खून रिसता मिला। सौतेली मां पर हत्या का आरोप। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में लगी आग। तेज धमाकों के साथ फटा ट्रांसफार्मर। ब्रह्मपुरी कॉलोनी की बिजली कटी। गर्मी से लोग परेशान। नूपुर शर्मा के समर्थक को धमकी देने वाले 3 गिरफ्तार। आई सपोर्ट में नूपुर शर्मा लिखने पर कहा था स्टेटस हटा दो वरना हाल का नहीं जैसा होगा। जौनपुर में मरुधर एक्सप्रेस की चेकिंग बम मिलने की सूचना पर 1 घंटे तक चली तलाशी। संदिग्धों से पूछताछ भी की। यूपी में जल्द बनेगा पुरोहित कल्याण बोर्ड। सीएम बोले सभी धर्मों के पुरोहितों संतों पुरोहितों को पुजारियों और मौलवियों को मिलेगा बोर्ड का फायदा। बद्रीनाथ हाईवे सहित चमोली की 21 सड़कें बंद। देहरादून समेत कुछ जिलों के आज भारी बारिश की संभावना। खाद्य सुरक्षा कानपुर लागू करने में उत्तराखंड पिछड़ा। ओडिशा पहले और यूपी दूसरे स्थान पर। ग्यारह जुलाई को उत्तराखंड आएंगे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। भाजपा सांसदों और विधायकों से करेंगी समर्थन की अपील। आफत बनकर बरसी बारिश। कार पर बोल्डर गिरने से नव निर्वाचित प्रधान की मौत। 8 दिनों में ही कपूर हो गई खुशियां। स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री धामी। कहा प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को इनोवेटिव कार्यों एवं उनके विचारों को प्रोत्साहित कर रही है। काशीपुर में बादशाह कैफे में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। 4 लड़कियों और 5 लड़के आपत्तिजनक हालत में मिले। हरिद्वार में दिन दहाड़े बस्ती में घुसा गुलदार। दरवाजे बंद कर छतों में भागे लोग। श्रीनगर में तस्वीर आई सामने। बारिश से नदी नाले उफान पर। भय से छोड़े लोगों ने घर। टिहरी में कार के ऊपर गिरा पत्थर। 1 की मौत 3 घायल। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने दिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश। 17 को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में मरीजों को कर रहे गुमराह। विज्ञापनों में झूठे दावे करने वाले 41 डॉक्टरों को नोटिस। मेडिकल काउंसिल ने दी चेतावनी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो वायरल होने पर विवाद। मोबाइल कैमरा ले जाने पर लगेगा प्रतिबंध। उत्तराखंड में 30 फीसदी महिला आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा का मामला। आयुष्मान योजना को लेकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से जमकर लूट। आयुष्मान योजना में खुले कई राज। उत्तराखंड के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति लेज गुरमीत सिंह का बड़ा बयान। कहा समाज और परिवार के काम ना आने वाली शिक्षा बेकार। उत्तराखंड में दून के डॉक्टर सुधारेंगे लोगों की बिगड़ी जीवन शैली। अस्पताल में चलेगा लाइफस्टाइल क्लिनिक। ब्रिटिश पीएम जॉनसन के खिलाफ बगावत तेज। 17 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। 54% कंजर्वेटिव समर्थकों ने कहा बोरिस पद छोड़े।
ईयू की चेतावनी, गैस की सप्लाई रोक सकता है रूस। जंग में अब तक 90 लाख यूक्रेनी बेघर हुए। पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन। अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया प्रमुखों ने पहली बार एक साथ दी चेतावनी। नाटो से तनाव, पुलिस ने पुतिन ने दुनिया को दिखाई महाविनाश। यार्स मिसाइल अमेरिका तक मचा सकती है तबाही। ओमिक्रॉन के नए स्वरूप BA.2.75 पर WHO ने किया सतर्क। दो हफ्ते में 30% केस बढ़े। बोरिस जॉनसन ने कैबिनेट मंत्री माइकल गोवे को किया बर्खास्त। पीएम से कहा था इस्तीफा दे दे। मैक्रो पुतिन की बातचीत का ऑडियो लीक। फ्रेंच प्रेसिडेंट के सवालों से तंग आकर पुतिन ने कहा जिम में हूं फिर आइस हॉकी खेलूंगा। रूसी हमले में ब्राजीलियन मॉडल की मौत। यूक्रेन की तरफ से लड़ने खार्किव पहुंची थी। थालिटोडो वैले मिसाइल अटैक में गई जान। अमेरिका में बिजली गिरने का खौफनाक वीडियो आया सामने। देखते ही देखते धू-धू का जल उठा पेड़। रोशनी से भर गया आसमान। बिलावल भुट्टो ने एंटनी ब्लिंकन से की बातचीत। पाक अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। महंगाई बढ़ी, कमाई घटी। बीते 5 सालों में दोगुनी हुई गैस सिलेंडर की कीमत, लेकिन कमाई 20% घटी। ओला, ब्लिंकिट, लीडो लर्निंग ने की सबसे ज्यादा छटनी। स्टार्टअप ने 6 महीने में ही 11,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला। रियलिटी में 9 साल की सबसे तेज सेल्स ग्रोथ। जनवरी जून के बीच सालाना आधार पर मकानों की बिक्री बढ़ी। 8 बड़े शहरों में 60 का जोरदार इजाफा। 7 नहीं अब 9 बच्चों के पिता मस्क। टॉप एग्जीक्यूटिव ने 2 जुड़वा बच्चों को दिया था जन्म। चीनी फंडिंग पर चल रही कई फिनटेक कंपनियों और एनबीएफसी ने 940 करोड़ की काली कमाई की। Dolo 650 के निर्माताओं के ठिकानों पर आईटी छापा। टैक्स चोरी के मामले में हुई कार्रवाई। स्पाइस जेट के विमानों में 18 दिनों में 8 बार आई तकनीकी खराबी। DGCA ने किया शोकॉज। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX जापान पर डॉगी हुआ लिस्ट। पहले एक दिन में 20.8 करोड़ शिबा बर्न। एलन मस्क की द बोरिंग कंपनी ने की डॉग कॉइन में पेमेंट की घोषणा। लोग अब डॉग कॉइन में कर सकेंगे पेमेंट। विराट कोहली होंगे टीम से बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ बल्ला नहीं चला तो टीम से निकाले जाएंगे। वर्ल्ड कप में भी नहीं मिलेगा मौका। धोनी ने लंदन में मनाया 41वां बर्थडे। पहले फैमिली के साथ केक काटा, फिर विंबलडन का मैच देखने पहुंचे। वीडियो दिखा।
चोट के बावजूद जीते राफेल नडाल, अब विंबलडन सेमीफाइनल खेलना तय नहीं, धोनी गवास्कर मैच देखने पहुंचे। श्रीलंका क्रिकेट टीम में हुआ कोरोना विस्फोट, एयूएस के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले तीन खिलाड़ी पाए गए कोविड पॉजिटिव। अट्ठाईसवां टेस्ट शतक जड़कर जो रूट ने दिग्गजों को छोड़ा पीछे, सचिन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 9 रन दूर। भारत के पेस अटैक से चिंतित इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करेन बोले, भुवनेश्वर एक शानदार गेंदबाज, उन्हें खेलना चैलेंजिंग होगा। मलेशिया मास्टर सुपर पास सो बैडमिंटन, सिंधु कश्यप प्रणय और प्रणीत पहले दौर में जीते, साइना समीर हार कर बाहर। ससुराल में मिला सीडब्ल्यूई रेसलर राव पृथ्वी सिंह का शव, मरने से पहले फेसबुक लाइव आए थे, ससुराल वालों पर लगाया था मारपीट का आरोप। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, धवन बने वनडे टीम के कप्तान, कोहली रोहित और बुमराह टीम का हिस्सा नहीं। टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस से लगभग बाहर, बर्मिंघम में हार से कमजोर हुई भारत की स्थिति, अब नहीं हो सकते 70% पॉइंट्स। दबंग 4 की तैयारी, सलमान खान की फिल्म को तिग्मांशु धूलिया करेंगे डायरेक्ट, दिसंबर में शुरू होगी शूटिंग। स्ट्रीमिंग साइट से हटे माइकल जैक्सन के 3 गाने, लंबे समय से वोकल्स को लेकर था विवाद। कंगना रनौत ने करण के शो पर किया कटाक्ष, एपिसोड को बताया सर्जिकल स्ट्राइक। कियारा सिद्धार्थ को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट, सीक्रेट वेकेशन से लौटा कपल, वीडियो वायरल। विजय सेतुपति होंगे जवान का हिस्सा, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म में विलन का रोल प्ले कर सकते दिखेंगे एक्टर। मां काली के पोस्टर पर बवाल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में एफआईआर, कांग्रेस सांसद थरूर बोले बयान को गंभीरता से ना ले। सेक्सुअल असॉल्ट केस में विजय बाबू को यौन शोषण मामले में राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत को रद्द करने से किया इनकार। फिल्म एक्टर राणा जंग बहादुर गिरफ्तार, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर वाल्मीकि समुदाय ने दर्ज करवाया था मामला। उड़िया एक्ट्रेस रश्मि रेखा के बाद बॉयफ्रेंड संतोष पात्रा ने भी किया सुसाइड, गर्लफ्रेंड की मौत के 15 दिन बाद घर में फंदे से लटका मिला संतोष का शव। डिफेमेशन केस में कंगना रनौत ने कोर्ट में दिया बयान, एक्ट्रेस बोली ऋतिक रोशन से माफी नहीं मांगने पर जावेद अख्तर ने दी थी धमकी। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।